जो हमारी पूरी क्लास की लड़कियों का अलग ही सीन चल रहा है। देवराज के ऊपर स्नैप भी कुछ काम नहीं करता बोल रहा है। रिफ्रेशमेंट के नाम पर भाई हमें मिला है मरा हुआ समोसा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई ये आ गया। भाई आज है टीचर्स डे और हम दोनों भाई बने हैं टीचर्स। ये बना है इकोनॉमिक्स का टीचर और मैं बना हूँ हिस्ट्री का टीचर। और टाइम देखो, टाइम भी 7:30 होने वाले हैं बस। तो फिर अभी लोग आ रहे हैं, मतलब दोस्त आ रहे हैं, तो उनको लेकर अभी निकलते हैं। और पहले थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ। मम्मी मैगी बना रही है, वो लेके जाना है स्कूल क्योंकि वहाँ पर कुछ खाने वाला नहीं मिलेगा। तो फिर मैगी खाता हूँ और फिर निकलता हूँ। तो गाइस मैगी खाने का यार मन नहीं है मेरा, क्योंकि सुबह सुबह मैगी कौन खाता है। उसलिए चलो पैक करता हूँ उस मैगी को और फिर चलते हैं, क्योंकि नीचे भी सभी लोग आ चुके हैं। सभी नहीं, एक ही बंदा आया है अभी तक और आप लोगों ने उसे पहले देखा होगा वैसे शायद। ये देखो जूते पहन रहा है अपने। तो फिर मैं अपने जूते पहनता हूँ और चलता हूँ नीचे। तो भाई घर से तो निकल गया हूँ और रिक्शे के पास जा रहे हैं, फिर स्कूल चलते हैं रिक्शे से ही। तो बैठते रिक्शा ढूंढ रहा हूँ, वैसे मिल तो नहीं रहा है। मिल तो गई, वो दिख गया भाई सामने, दिख गया भाई। इसने बैठते ही भाई शोअप करना स्टार्ट कर दिया है। बोल रहा है 2600 का ये जींस है, 2600 का। और भाई टी शर्ट कितने की? 2800 के। टी शर्ट कितने की भाई? 1900 रुपए की टी शर्ट। बोल रहा है भाई पापा के पहन क्या है, मतलब पापा की पहन क्या है भाई, पापा की पहन क्या है, ऐसा कुछ नहीं है यार। लेकिन ये बंदा सबसे ज्यादा शोअप करता है। सभी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं भाई, लोग बना रहे क्या? हाँ भाई, तो अभी थोड़ा ऐसे ही बाहर घूमते हैं और फिर थोड़ी देर में चलते हैं स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल का गेट तो खुला नहीं है, बच्चे ही सब जा रहे हैं अंदर। इनका अलग ही चल रहा है भाई, इनका ये सब स्नैप के स्नैप वाले भाई। ये बंदे सेल में स्नैप है भी नहीं, देवराज के ऊपर स्नैप भी कुछ काम नहीं करता बोल रहा है। कोई नहीं भाई, स्नैप काम नहीं करता है तो फिल्टर लगा लेंगे थोड़ा सा और, लेकिन चलेगा। फोटो शूट सेशन चल रहा है भाई यहाँ पर, एक से एक फोटो खींची जा रही है यहाँ पर। तो भाई अभी क्लास में तो आ चुके हैं और भाई सभी बंदे पता है यहाँ पे किस लिए आए हैं आज, क्योंकि फोन अलाउड है यहाँ पे, गुल्ला गुल्ला फोन चला सकते हैं। और ये तो सभी के पास फोन है भाई, कोई यहाँ पे ना भाई टीचर बनने नहीं आया, सब फोन चलाने आया है। ये पांडे जी, पांडे जी क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? बस ठीक, ये शर्ट दे दे मुझे ऊपर वाली भाई, शर्ट मांग रहे हो दादा। टी शर्ट तूने अंदर पहनी रखी है, मैंने तो पहन रही हूं। और भाई अभी मैं आपने बोला सबको ग्रुप फोटो लेने के लिए और सभी लोग मान गए हैं। मानना क्या भाई, सबको खिंचवाना है ग्रुप फोटो। सभी को ग्रुप फोटो लेने के लिए बोला है। बच्चे ना यार आवाज निकालने से कतराते नहीं है यार, एक पे एक मीम बनते हैं यहाँ पर। एक तो हमारी पूरी क्लास की लड़कियों का अलग ही सीन चल रहा है, सबने साड़ी पहना है, अभी टीचर बनने आया है, मॉडल बनने आया है। फोटो सेशन तो भाई चलता ही रहता है भाई, पूरे दिन चलेगा अभी ये, तो खत्म होने का नाम नहीं लेता फोटो सेशन, चाहे कुछ भी हो जाए फोटो सेशन खत्म नहीं होगा। देखो ये है, ये सब स्नैपचैट वाले भाई, ये भाई स्नैपचैट वाले। अभी मुझे एक नेक्स्ट लेवल फीके दिखा, फीके से भी खतरनाक एक्टिंग करता है। बोलिए भाई पीके, भाई पीके यार ऐसा मत कर यार, थोड़ी नहीं हुए आप, थोड़ी नहीं करनी है तुमको। अच्छा जी, आप ट्रिप ऑफ पढ़ाई होती है। अच्छा बोल रहे हो, ये सब क्या गलत फहमी है, तो क्या है तो आप पीके क्यों बने हो? पढ़ाई नहीं होती। अरे आप पीके में क्यों बने हो? अभी सर जी, अभी आप क्या करेंगे, पढ़ाई क्या करते हो आप? हम पढ़ाई करते हैं। आप बाहर पढ़ाई करते हो? अभी बालक हूँ। हाँ भाई, इसके मुंह में कुछ मिले वो एक्टिंग होती है ना, वो कर रहा है भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पूरा पहले छठा पीरियड लगा, छठे पीरियड में कौन पढ़ाएगा, वैसे ही पूरे दिन घूमना ही है। पूरे दिन घूमना है, लेकिन दो पीरियड पढ़ाया है, इसमें क्या होगा? वैसे सैलरी तो कुछ मिलने की, समोसे मिलने से भाई। भले ही फोटो के पोज खत्म हो जाए, लेकिन फोटो खत्म नहीं होनी चाहिए भाई, फोटो खींचे जाते हैं।
सभी फोटो खींचे जा रहे भाई, ये देख रहे हो सारे टीचर्स है ये, वैसे आज के टीचर्स, ये हमारे वाइस प्रिंसिपल सर, कैसे हो सर, कैसे हो सर, और ये भी हमारे वाइस प्रिंसिपल सर है, ये हमारे बायोलॉजी के भाई। मैंने अपना पीरियड तो ले लिया है लेकिन जो हमारा दिन बैठ रहा है ना अभी, आज टीचर्स डे है तब भी हमारा दिन ऐसे कट रहा है, लूडो खेल के, लूडो खेल के हमारा दिन काटना पड़ रहा है भाई। और ये देखो भाई इधर तो अलग ही चल रहा है भाई, क्या क्या खेल कर रहे हैं ये पबजी प्लेयर रहा है भाई। बस कुछ देर और बस छुट्टी होने वाली है यार, सभी घूम रहे हैं ऐसे ही अभी। तो भाई अभी हॉल में आ गया हूँ, बस थोड़ी देर में छुट्टी होने वाली है, अभी रिप्लेसमेंट देने की तैयारी चल रही है, पूरी तैयारी चल रही है, रिप्लेसमेंट बांटने की तैयारी है, समोसा मिलने वाला है वो भी दो दो। रिफ्रेशमेंट के नाम पर भाई हमें मिला है मरा हुआ समोसा, भाई मरा हुआ समोसा दिया वो भी देख रहे हो यार, पूरे दिन का सैलरी है, वही नहीं खाते हैं इसको, फिर चलते हैं यार बाहर स्कूल से। भाई अभी मिलवा दो मैं अपने क्लास की लड़कियों से, तुम लोग ने अपना नाम बता दो एक बार। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, मेरा नाम है भूमि, मेरा नाम काशी, मेरा नाम समीक्षा, मैं नंदिनी डावला, और ये पार्टी हो रही है, ये पार्टी हो रही है भाई सस्ती वाली। भाई मरा हुआ समोसा दिया देख रहा हूँ स्कूल वालों ने, पूरा ये आलू है, आलू आलू और ये सीए भाई, ये सबसे खाने वाला ज्यादा ज्यादा खाने वाला बंदा है। चलो फिर भाई, तो भाई सब हम आए हैं द बर्गर क्लब, बर्गर खाने ऑर्डर तो कर दिया है, ये आ ही रहा है, बस टाइम बहुत लग रहा है यहाँ पे, आधे घंटे से बैठा हूँ, एक तो यहाँ पे सीट खाली नहीं होती है और टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई, पूरे घंटे हो गए यार, ये लोग देने का तो नाम ही नहीं ले रहे, टाइम बहुत लगा दे पता नहीं क्या कर क्या रहे हैं भाई। मोमोज नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली भाई आ गया, एक घंटा रुकना पड़ा इस चीज के लिए, तो उसको खाते हैं भाई, अब इतना लंबा मिलाया भाई, मिलाया लंबा गम्मी, मम्मी की याद आ गई। ये तो हो गया खत्म, अब जा रहे पिज्जा खाने भाई दूसरी दुकान में, क्योंकि यहाँ पिज्जा नहीं मिलता यार, बस बर्गर बर्गर का शॉप खुला हुआ है भाई, पूरा जीटीवी नगर घूम लिया है लेकिन एक पिज्जा का शॉप नहीं मिला है, एक सिंगल पिज्जा का शॉप नहीं मिला है, ये बहुत अफसोस की बात है, मैं दिल से कह रहा हूँ जीटीवी नगर एक दिन ना बहुत तरक्की नहीं करी, इसका बोल लगा अलग है भाई, पिज्जा तो मिला नहीं इसलिए वेज रोल खा गई, गुजारा करना पड़ रहा है, कोई नहीं यार इसे खाते खाते घर चलता हूँ। तो गाइस मैं भी घर आ चुका हूँ, और यार घर आते ही ना उसने टाइम हो गया है, चलो बैग उठाता हूँ और चलता हूँ ट्यूशन। तो फाइनली यार गाइस सभी चीज़ों से फ्री हो गया हूँ, और ये तो घर पे भी आते हैं पता है, ये देखो सीधी लेके आई है ये बिस्किट, एक और लेके आई है, मतलब भाई आज पूरे दिन में कुछ ना कुछ खा ही रहा हूँ यार, भले ही मैंने ब्लॉग में थोड़ा सा ही दिखाया लेकिन पूरे पूरे दिन खाया है, स्कूल में पहले समोसा फिर उसके बाद बर्गर, और इतनी सारी चीज़ें खाई है दिखा नहीं सकता मैं ब्लॉग में इतनी सारी चीज़ें, वरना आप लोग बोलोगे फूड ब्लॉगर है या फिर ब्लॉगर है। वैसे मज़ा तो आज स्कूल में बहुत ज़्यादा आया, भले ही मेरे पीरियड्स कम लगे थे लेकिन पूरे दिन घूमा भाई, पूरा इन्जॉय करा मैंने आज, और पहली बार मैंने आज टीचर बनने का एक्सपीरियंस लिया भाई, मतलब यार टीचर बनने में तो बहुत मजा आता है लेकिन यार जो सर दर्द है ना टीचर का, उनसे ज्यादा किसी का नहीं यार, मतलब कि बच्चों को चुप करवाओ, गैलरी में से उन लोगों को क्लास में भेजो, असेंबली में उनको लाइन में लगाओ, और भी बहुत सारी चीजें होती है यार, तो टीचर ना देखा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ना कि उनको खुद डिसिप्लिन में रख के या फिर अलग अलग चीजें करके, लेकिन यार एक दो बच्चे होते हैं वो खुद नहीं समझते और टीचर्स को समझाना पड़ता है उन लोगों को, लेकिन यार स्टूडेंट लाइफ भी तो ऐसी होती है कि आप कर रहे मतलब कि वो मजे लेने चाहते हो जो आप स्टूडेंट लाइफ को करने के लिए बढ़िया बनाने के लिए आप ऐसा करते हो,
उसमें टीचर्स की कोई गलती नहीं है ना ही कोई बच्चों की गलती है, तो सभी ठीक है अपनी अपनी जगह पे सब ठीक होते हैं। अब वो एज लिमिट होती है, जब टीचर्स होंगे वो वाले पहले वाले वो भी अपने एज में ऐसे ही करते होंगे, और जो बच्चे हैं वो भी अपने एज में ऐसे करते होंगे, तो यार सब ठीक ही होता है। मतलब कि एज एज मैटर करता है अपना कि क्या एज है आपकी बस। तो गाइस यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जल्दी ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।